स्वागत है आपका माइलो फैमिली चैनल में। प्रेगनेंसी के आखिरी हफ्ते अपने साथ बहुत सारे उत्साह लेकर आते हैं। इसी दौरान आप अपने डॉक्टर से बेबी पोजीशनिंग के बारे में सुनेंगे, और जब बेबी पोजीशनिंग की बात आती है तब हेड एंगेजमेंट एक बहुत ही जरूरी एस्पेक्ट बन जाता है। इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उन 10 लकी विनर्स में से एक हो सकते हैं जो हर फ्राइडे पूरे 500 रुपीस का वाउचर जीतते हैं। आपको बस इस वीडियो को अंत तक देखना है और उस शब्द को कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है जो आपको इस वीडियो में मिलता है। वाउचर को रिडीम करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और माइलो ऐप डाउनलोड करें। व्हाट डज हेड एंगेजमेंट मीन? आइए सबसे पहले समझते हैं कि हेड एंगेजमेंट का क्या मतलब होता है। प्रेगनेंसी के दौरान बेबी सबसे ज्यादा समय अपना हेड ऊपर रखकर और फीट वोम के सबसे नीचे रखकर बिताता है, पर आखिरी के 4 हफ्तों में बेबी रोटेट करते हैं। मोस्टली बेबीज अपसाइड डाउन हो जाते हैं जिसमें हेड पेल्विस के पास होता है। ये पोजीशन हेड एंगेजमेंट की शुरुआत होती है। एक बार जब बेबीज अपसाइड डाउन हो जाते हैं तब वो पेल्विस में प्रवेश कर लेते हैं। बेबी पेल्विस में कहाँ तक सेटल हुआ है ये देखने के लिए डॉक्टर्स हेड एंगेजमेंट मेजर करते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ हेड एंगेजमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हेड एंगेजमेंट दो कारणों से ज़रूरी होता है। अगर बेबी रोटेट नहीं हुआ है और हेड एंगेजमेंट शुरू नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि बेबी की ब्रीच में होने की संभावना है। इस केस में डॉक्टर ब्रीच बेबी के अनुसार डिलीवरी प्लान करते हैं। दूसरा कारण ये है कि एंगेजमेंट लेबर की प्रक्रिया से पहले होना चाहिए, क्योंकि अगर एंगेजमेंट नहीं हुआ है तो आप लेबर में नहीं जा सकते, इसलिए बेबी का हेड एंगेजमेंट ज़रूरी है। When baby's head is not engaged, अगर ये आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो चांसेस हैं कि लेबर के अंतिम समय तक भी बेबी का हेड एंगेज ना हो। ज़्यादातर बेबीज लास्ट मिनट पर ही सेफेलिक नॉर्मल हेड डाउन पोजीशन पर टर्न करते हैं और तभी उनका हेड फिक्स होता है। ये बिल्कुल नॉर्मल है और इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको वाटर ब्रेकिंग, ब्लीडिंग या कॉन्ट्रैक्शन जैसे लेबर की कोई साइंस नहीं है तो डॉक्टर आपके 40 वीक्स पूरे होने तक वेट कराएंगे। बेबी का हेड एंगेजमेंट पूरी तरह से बेबी के हाथ में ही है, इसलिए अगर 40 वीक्स तक भी बेबी का हेड एंगेज नहीं होता है तो ये चिंता का विषय नहीं है। हाउ टू एंगेज बेबी हेड एंड पेल्विस। एंटीनेटल एक्सरसाइजेस बेबी को नीचे लाने में मदद करती है और आपकी मसल्स को भी मजबूत बनाती है। बेबी को मूव करने का सबसे सेफ तरीका है रोज 45 टू 60 मिनट तक ब्रिस्क वॉक करना। स्क्वाट्स पेल्विक मसल्स को बिल्ड करते हैं और बेबी को नीचे लाने में मदद करते हैं। इनसे बैक और पेल्विक पेन्स में भी आराम मिलता है। कैट एंड कैमल एक्सरसाइजेस। इस एक्सरसाइज से बेबी को पेल्विस के साथ अलाइन करने में मदद मिलती है, और ख़ास तौर पर प्रेगनेंसी के आखिरी महीने के समय पर। इस समय पर यूट्रस का निचला हिस्सा अपने आप को लेबर के लिए तैयार करता है। ये एक्सरसाइज उन माओं के लिए एडवाइस की जाती है जिनका ब्रीच बेबी है, और इसके साथ ही बेबी को हेड डाउन पोजीशन में मूव करने में भी मदद करती है। इन एक्सरसाइजेस को अपने गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ही करें। What should I do if I don't feel any symptoms that indicate that the baby's head has engaged? डॉक्टर्स के अनुसार प्रेगनेंसी में एक अच्छी डाइट और एक्सरसाइज रिजीम फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका शरीर लेबर के दौरान बेबी को एकोमोडेट करने और पेल्विस के थ्रू गाइड करने में सक्षम होता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने शरीर पर फेथ रखिए और जो बेबी के लिए बेस्ट है वो कीजिए। तो इस वीडियो में हमने जाना कि अगर बेबी का हेड 37 वीक तक एंगेज नहीं होता तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके हमें अपने विचार ज़रूर बताएं। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर करें। साथ ही सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।